नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, शोमी कंपनी ने अपनी रेडमी नोट 8 सीरीज को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि शोमी कंपनी ने रेडमी नोट 8 प्रो मोबाइल के साथ रेडमी नोट 8 मोबाइल को भी लॉन्च किया था, जो कि बढ़िया और अच्छा बजट स्मार्टफोन है। लेकिन दोस्तों, अब शोमी कंपनी अपनी रेडमी नोट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपने एक और नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है। दोस्तों, अब शोमी कंपनी अपने नए स्मार्टफोन रेडमी नोट 8T को लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8T मोबाइल को कंपेयर करके बताएंगे इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर कितना डिफरेंस होगा, इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया होगा और आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए रेडमी नोट 8 और रेडमी नोट 8T मोबाइल की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के डिजाइन और इनके लुक के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा। दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन बिल्कुल एक जैसा होगा। Redmi Note 8T मोबाइल देखने में Redmi Note 8 मोबाइल के ही जैसा दिखाई देगा, और इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होगा। इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग एक जैसे ही फीचर्स मिलेंगे, इनके कुछ ही फीचर्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी एक जैसी डिस्प्ले देगी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि Redmi Note 8 मोबाइल के अंदर कंपनी ने 6.3 इंच की फुल HD डिस्प्ले दी है, जो की 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है, और इसकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्ट की गई है। तो दोस्तों, आपको Redmi Note 8T मोबाइल के अंदर भी 6.3 इंच की फुल HD ड्यूड ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 1080x2340 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 होगा, और इसकी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्ट होगी। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक ही साइज की एक ही क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन के वेरियंट की, दोस्तों आपको याद होगा की कंपनी ने Redmi Note 8 मोबाइल को 4 GB और 6 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वहीं दोस्तों, आपको Redmi Note 8T मोबाइल के अंदर 3 GB और 4 GB रैम के वेरिएंट देखने को मिलेंगे, जिसके साथ आपको 32 GB 64 GB और 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों, आपको Redmi Note 8T मोबाइल के अंदर 6 GB रैम का वेरियंट शायद देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं मोबाइलों के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक जैसी कैमरा सेटअप देखने को मिलेगी। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको 4 रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि Redmi Note 8 मोबाइल के अंदर कंपनी ने 48 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 13 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया था। तो दोस्तों, Redmi Note 8T मोबाइल के अंदर भी आपको 48 MP, 8 MP, 2 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 16 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक जैसा प्रोसेसर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि Redmi Note 8 मोबाइल के अंदर कंपनी ने स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट दिया था, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 Pie के ऊपर लॉन्च किया गया था, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 610 का GPU देखने को मिला था। तो दोस्तों, Redmi Note 8T मोबाइल के अंदर भी आपको सेम प्रोसेसर दिया जाएगा। इस मोबाइल के अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट मिलेगा, और यह मोबाइल आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉइड 9 Pie के ऊपर लॉन्च किया जाएगा, और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडिनो 610 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के अंदर भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए Redmi Note 8 मोबाइल की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन की बैटरी के अंदर भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 4000 mAh की बैटरी मिलेगी, जिसके साथ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी एक स्मार्टफोन को खरीदना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे नजर में आपको Redmi Note 8 मोबाइल की बजाय Redmi Note 8T मोबाइल खरीदना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको Redmi Note 8T मोबाइल से ज्यादा बढ़िया और अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि दोस्तों, इस मोबाइल की कीमत भी Redmi Note 8 मोबाइल से ज्यादा होगी। तो दोस्तों, अब यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि Redmi Note 8T मोबाइल की कीमत कंपनी कितनी रखती है। दोस्तों, आपके अनुसार Redmi Note 8T मोबाइल की कीमत कितनी होनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो